टाइम है एक और मॉनसून सफारी का, जिसमें होने वाला है टाइगर ट्रैकिंग का रोमांचक एक्सपीरियंस। इधर में टाइगर भी है। वाइल्ड एनिमल्स के कुछ क्यूट मोमेंट्स, बारिश में भीगते हुए टाइगर की एक झलक पाने की कोशिश। देखो एक कॉल यहाँ से हो रही है, एक पीछे से हो रही है, और थोड़ा जिप्सी का ऑफ रोड एडवेंचर। हेलो वाइल्ड लाइफ लवर्स, फॉरेस्ट निंजा के इस चैनल में और इस नए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। अपनी मॉनसून जंगल सफारी ट्रिप को जारी रखते हुए हम एक बार फिर निकले हैं टाडोबा के जंगल और उसकी खूबसूरत वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने। टाडोबा की हमारी पिछली मॉनसून सफारी काफी एक्साइटिंग थी, कुछ अच्छी वाइल्ड लाइफ साइटिंग और टाइगर ट्रैकिंग का रोमांचक एक्सपीरियंस करने को मिला था हमें उस सफारी में। पिछली सफारी का वीडियो आपको ऊपर दिए हुए लिंक में मिल जाएगा। आज की सफारी में हम ट्राई करेंगे टाइग्रेस मधु और उसके कब्स को देखने का। इसी एरिया में टेरिटरी बनाई है मधु ने, अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद मधु और कब्स दिख जाएं। टाइगर कब्स को अपनी माँ के साथ देखना बहुत ही प्यारा अनुभव होता है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको आप घंटों तक देख सकते हो। बारिश के मौसम में शाकाहारी जानवरों की मौज हो जाती है। हरा भरा जंगल, हर तरफ घास और जगह जगह पानी, खाने पीने की कोई दिक्कत ही नहीं रहती। और इनका हक भी बनता है, क्योंकि गर्मी के 3 महीने जब पूरा जंगल सूख जाता है तब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इन शाकाहारी जानवरों को अपने सर्वाइवल के लिए। इतने स्ट्रगल के बाद थोड़ा आराम तो बनता ही है। ये हिरण काफी उत्सुक लग रहे हैं अपना फोटोशूट करवाने के लिए। पगमार्क्स फ्रेश लग रहे हैं और आगे की डायरेक्शन की तरफ हैं। इनकी साइज से पता चल रहा है कि ये एक मेल टाइगर के हैं। पगमार्क्स को ट्रैक करते हैं, शायद टाइगर आगे कहीं हो। हम अभी जिस एरिया में सफारी कर रहे हैं वहाँ 2 मेल टाइगर की टेरिटरी है, शंभू और छोटा दड़ियल। देखते हैं ये पगमार्क्स किसके हैं, छोटा दड़ियल या शंभू के। छोटा दड़ियल को हमने अपनी पिछले सफारी में भी देखा था। उस सफारी में हमें गाइड ने बताया था कि छोटा दड़ियल अपनी टेरिटरी एक्सपेंड कर रहा है और शंभू के एरिया में भी आने लगा है। एक बार दोनों का आमना सामना भी हो चुका है जिसमें शंभू को भागना पड़ा। छोटा दड़ियल एक यंग और डोमिनेंट मेल टाइगर है, हो सकता है कुछ टाइम में शंभू को ये एरिया छोड़ना पड़े छोटा दड़ियल के कारण। पगमार्क्स तो इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन हम आगे नहीं जा सकते। यहाँ गाड़ी फंसने का डर है तो हमें घूम के जाना पड़ेगा।
टाडोबा के बफर जोन्स में टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी है, तो यहाँ टाइगर दिखने के चांसेस हाई हैं। टाइगर ट्रैकिंग का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, इसमें होता है बहुत सारा सस्पेंस, थ्रिल और एडवेंचर। कुछ देर तक पग मार्क्स को ट्रैक करने के बाद हमें टाइगर तो नहीं लेकिन एक टाइग्रेस दिख गई। मेल टाइगर के पग मार्क्स इसी डायरेक्शन में थे लेकिन टाइग्रेस के कहीं पग मार्क्स दिखे नहीं। हो सकता है कि ये टाइग्रेस पहले से ही यहां बैठी हो और मेल टाइगर इसको ढूंढते हुए आया हो इधर। टाइग्रेस आराम के मूड में है तो इसको आराम करने देते हैं और हम मधु और उसके कप्स की तलाश में आगे बढ़ते हैं। मेल टाइगर के लिए भी हम ट्राई करेंगे जिसके पग मार्क्स देखे थे हमने। हमें यहाँ छोड़ के हमारे जिप्सी ड्राइवर और गाइड गए दूसरी जिप्सी को निकालने। मॉनसून सीजन में ऐसे कीचड़ भरी रोड में गाड़ी चलाना एक अलग ही लेवल का एडवेंचर है। ये इंसिडेंट देखकर कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर कभी हमारे साथ ऐसा हुआ तो जंगल में जिप्सी फंस गई या खराब पड़ गई तो क्या करेंगे। ऐसी सिचुएशन कभी आती है तो डरने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके साथ गाइड और ड्राइवर हैं जो वहां के लोकल हैं और जंगल को अच्छे से जानते हैं। ऐसी सिचुएशन में बाकी जिप्सीज जो जंगल में सफारी के लिए निकली हैं वो लोग आकर मदद कर देते हैं। अगर हेल्प का कोई भी ऑप्शन नहीं मिला तो गाइड पास में जो भी पेट्रोलिंग क्वार्टर है वहां से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर पहुंचा देता है। और मान लीजिए अगर वो भी ऑप्शन नहीं है तो भी कोई चिंता नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम आपको ढूंढते हुए आ जाएगी क्योंकि गेट में हर जिप्सी की एंट्री होती है और वो जिप्सी अगर टाइम से बाहर नहीं निकली तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी तलाश शुरू कर देता है। बस हमें जिप्सी में बैठे रहना है। आजकल तो गाड़ी में GPS भी लगाने लगे हैं तो उससे भी लोकेशन पता चल जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। बारिश से जंगल को एक नया जीवन मिल जाता है। गर्मी में सूख चुका जंगल बारिश के आते ही फिर से खूबसूरत हो जाता है।
मौसम बदल रहा है, बारिश के आसार बन रहे हैं। इस सफारी में हमारी कोशिश थी कि हम टाइग्रेस मधु और उसके कब्स को देख पाएं, लेकिन गाइड से पता चला है कि एक हफ्ते से किसी ने उसे देखा नहीं है। आज हमारी लास्ट सफारी है टाडोबा में, तो उम्मीद कम लग रही है कि हम उसे देख पाएंगे। ये खूबसूरत सा बर्ड है इंडियन रोलर, जो नीलकंठ के नाम से भी फेमस है सेंट्रल इंडिया में। बारिश में हिरण भी खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। ये हिरण तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है अपने खाने को लेकर। इस जिप्सी से आगे टाइगर के बैठे होने की खबर मिली है। यहां आकर पता चला कि अंदर साइड एक टाइगर बैठा है, लेकिन यहां से क्लियर दिख नहीं रहा है। यहां से ऐसा लग रहा है जैसे कोई चट्टान रखी हो। ट्राई करते हैं शायद कैमरे में उसको कैप्चर कर पाए। ये एक मेल टाइगर है और इसका नाम है शंभू। हमने जो मेल टाइगर के पगमार्क्स ट्रैक करे थे वो शंभू के ही थे, और यही घूमता हुआ यहाँ पर आया है। नहीं, अभी थोड़ा मूवमेंट हुआ, वो उठ के थोड़ा सा चल के आगे बढ़ रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ पर है। झाड़ियाँ बहुत घनी है यहाँ पे, तो एग्जैक्ट कहाँ पे अभी है वो दिख नहीं रहा है। सांबा डियर के अलार्म कॉल्स हो रहे हैं, मतलब टाइगर मूवमेंट में है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि टाइगर किस साइड से जा रहा है। इस टाइगर ने तो सबको ही कंफ्यूज कर दिया है। ये कॉल का डायरेक्शन इस तरफ देख के लग रहा है। हाँ, पीछे साइड में है, बट कैसा है वो रोड पे भी जा सकता है। कहाँ है रोड? मतलब आपके हिसाब से टाइगर का मूवमेंट आगे साइड है? उस साइड। हाँ ठीक है, ठीक है, उधर से आया ना। हाँ ठीक है, चलो चलो। सेम टाइगर लग रहा है ये? नहीं नहीं नहीं, सेम टाइगर नहीं। क्योंकि देखो एक कॉल यहाँ से हो रही है, एक पीछे से हो रही है। ये पीछे से था। गाइड के हिसाब से टाइगर को आगे की ओर जाना चाहिए अगर वो अपनी टेरिटरी में घूम रहा है तो। हम ट्रैक करते हैं इसको, शायद आगे कहीं अच्छा व्यू देखने को मिले।
काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं हम टाइगर को, लेकिन कहीं दिखा नहीं। टाइगर स्मार्ट निकला, सबको कंफ्यूज करके वो निकल गया है। मॉनसून सफारी का ये एक चैलेंज है, जंगल घना होता है तो अगर टाइगर थोड़ा भी अंदर बैठा है तो पता भी नहीं चलता। सफारी का टाइम खत्म हो रहा है, हमें वापस लौटना होगा। टाडोबा में मॉनसून सफारी का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा और अपनी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी वाइल्ड लाइफ साइटिंग हुई हमें दोनों सफारी में। हमें तो लगा था कि मॉनसून सीजन में इतनी भीड़ नहीं होगी यहाँ, लेकिन सभी बफर जोन्स में बुकिंग ऑलमोस्ट फुल ही थी और उसका कारण है टाडोबा के बफर जोन में हो रही अच्छी टाइगर साइटिंग। बारिश में वाइल्ड लाइफ साइटिंग करनी हो या ऑफ रोड एक्सपीरियंस या फिर सिर्फ खूबसूरत जंगल को एक्सप्लोर करना हो, ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको मॉनसून सफारी में करने को मिलते हैं। एक बार ट्राई करना बनता है मॉनसून सफारी। वक्त है टाडोबा को अलविदा कहने का। एक नए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक जुड़े रहिए आप फॉरेस्ट निंजा से।